डेढ़ दो लाख रुपए इधर लग गया, तो ये अभी बचाएंगे हम गांव में जाके और वो पैसा हम देंगे एथलीट को। तो आपने जितना बड़ा इवेंट आप स्केल पे करा रहे हो, तो आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना लगा होगा इस इवेंट? अराउंड पैशन है ये, पैशन। हाँ ब्रो देखो एनर्जी, एनर्जी 3 घंटे सो के भी फुल, मतलब फुली चार्ज है पाजी। स्पोर्ट्समैन थी मेरी सिस्टर, कबड्डी खेलती थी, एक सिस्टर गोला खेलती थी, फादर मेरे अर्जुन अवार्ड कबड्डी के प्लेयर थे, उनकी डेथ हो गया, अब मैं इनको तैयार कर रहा हूँ। आप इमोशनल मत होइए जी, बिल्कुल जी मैं समझ सकता हूँ। अब आप भी बता दो अब कब कम्पीट कर रहे हो, फिजिक आपने बनाई हुई है? आपको तो पता ही है क्या चल रहा है, दाल रोटी पे जिंदा है अभी। ऑल राइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इस वक्त पे अजीत क्लासिक, और आप लोग पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे लोग आए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और आप लोग पीछे लाइन देख सकते हो। तो हाँ जी भैया जी, मैं आप लोग लेकर आ चुका हूँ अजीत क्लासिक का इवेंट, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ था रिसेंटली। और दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अजीत क्लासिक में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली गई थी एथलीट से, तो एक तरीके का ये चैरिटी इवेंट आप लोग कह सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला, बिकॉज मैं काफी सारे एथलीट से वहां पर मिला था और काफी सारी चीजें वहां पर हुई थी और काफी सरप्राइजेस हम लोगों को देखने को मिले थे। तो एंटरटेनमेंट की गारंटी मैं ले लेता हूँ, और बाकी जो है हम लोग आगे देखते हैं कि मैंने सफर कैसे तय करा था दिल्ली से जलंधर का। और दोस्तों ये वाला इवेंट हुआ था दसुआ पंजाब में, जो कि एक छोटा सा टाउन है वहां पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब आपको लगता है आज मेडल आएगा? आज कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, करेंगे। अपना ऐसा करो, नाम बता दो और कहाँ से आपको देख के लगता है कि, मतलब भाई की बॉडी देख सकते हो, भाई देख के लग रहा है कि ही इज़ वेल बिल्ड। जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। और आपको लोग कहाँ पे ऑनलाइन, आपका इंस्टाग्राम कोई अकाउंट हो? जितेंद्र 002 इंस्टाग्राम। तो गाइज आपने देख लिया, आप इनको फॉलो कर सकते हो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सुन लो भाई, प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं भाई। तो मतलब आपकी वेजिटेरियन सोर्सेज कैसे पूरे हो जाते हैं प्रोटीन वगैरह के? फिर क्या मतलब ऐसा क्या कंज्यूम करते हो आप? पांच स्कूप डेली के स्कूप होते हैं प्रोटीन के, ते बाकी सारी बॉइल्ड सब्जी होती है। पांच स्कूप प्रोटीन के गाइस, 5 स्कूप ऑफ प्रोटीन एंड बाकी हाइड्रोलाइज। चलो जी, आप लोगों ने सुन लिया इनकी तरफ से, और देखते हैं आप, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुडे कॉम्पिटिशन। तो हाँ जी भैया जी, पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से आप स्पेशली यहाँ पर आए हैं, मतलब आपको इतना पैशनेट हो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए। चलो जी, और आप कौन सी कैटेगरी में कंपीट करने वाले हो? मैं मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक में। मेंस फिजिक में, क्लासिक दोनों में कंपीट करने वाले हो। करंट वेट क्या है मतलब? अभी 70 kg। 70 kg, तो मतलब आप यहाँ पर ही क्यों आए? मतलब और भी फेडरेशन है, तो आप स्पेशली अजीत क्लासिक ही क्यों आए हो? मेरे कोच ने बताया था कि अच्छा कॉम्पिटिशन आपको कम्पीट करना चाहिए। तो आगे के प्लान्स, आपकी फिजिक देखो भाई, फिजिक बहुत अच्छी लग रही है। ही हैज ग्रेट आर्म्स एंड शोल्डर्स, एंड लुक एट द वी टेपर गाइस, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो भाई आपकी बहुत ही इनक्रेडिबल फिजिक है, आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? इट्स बीन 8 years, लाइक ट्रेनिंग। आई एम इनटू लाइक कॉम्पिटिशंस फ्रॉम पास्ट 2 years। आई स्टार्टेड कम्पीटिंग 2020 से आपने स्टार्ट करा। तो अभी आगे का गोल क्या है आपका? आगे का गोल कोई अच्छी स्टेज पे जाएंगे, शेरू क्लासिक पहले। शेरू क्लासिक, प्रो कार्ड एंड द ओलंपिया स्टेज, डेफिनेटली आप इस साल ट्राई करोगे? नेक्स्ट ईयर में भी। नेक्स्ट ईयर में भी, इस साल अच्छे से प्रिपेयर करें। चलो जी, एंड आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है ये भी बता दो। फिलीत, या मेरा भी वही है यार। थैंक यू यार, मतलब फिलीत आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर है, और क्लासिक में तो सीबम होंगे। क्लासिक में सीबम, देखा मेरे को पता था। तो डेफिनेटली भाई आप बहुत अच्छा कम्पीट करो, बेस्ट ऑफ लक टू यू, थैंक यू सो मच। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ इंडियन टार्जन से, तो आइए जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। और हाँ, उन्हें टार्जन इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप लोग एक बार उनकी बॉडी देख लो यार, मतलब लंबे बाल और इतनी बढ़िया बॉडी है उनकी, और देखते हैं भाई वो उनका चक्कर क्या है उनके साथ। हेलो,
तो हाँ जी भैया जी, पूरे टार्जन लग रहे हो यार आप तो, बिल्कुल फिजिक भी बिल्कुल वैसी है। तो आप अभी कौन सी बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में कम्पीट करने वाले? मैं 70-75 कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बट आपकी फिजिक तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि पूरी मेंस फिजिक वाली लग रही है, बिल्कुल ब्रॉड शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट, ग्रेट मस्कुलैरिटी एंड ग्रेट वैस्कुलैरिटी ऑब्वियसली जो आपकी एब्डोमिनल एरिया है। तो आपने मेंस फिजिक सोचा कम्पीट करने के लिए आगे जाते? मेन फिजिक तो नहीं, मैं क्लासिक में सोचूंगा अगर करूंगा तो। मेन तो क्लासिक लिए तो फिर लेग्स भी दिखानी पड़ती हैं फिर तो। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो लेग्स दिखा दोगे? हाँ, तो फिर क्लासिक वाली पोजिंग हो जाए। क्या एज है आपकी? आप यंग लग रहे हो। 19 साल का। अच्छा, मेरे को लगा 119 कह रहे हो। अच्छा 19 एज है आपकी। चलो, कौन सी कैटेगरी में कर रहे हो? कैटेगरी तो नहीं, वो हाइट का ले रहे हैं, 5'10" में। अच्छा, तो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को कहाँ से फॉलो करते हो? यूट्यूब से। कब से फॉलो करना स्टार्ट हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। थैंक यू जी। और फेवरेट बॉडी बिल्डर बता दो अपना। अभी तो कोई नहीं है, पहले सोचूं बाद में बताऊंगा। अभी बता दो, अभी इंटरव्यू चल रहा है, बता दो। बिलाल अली। ओहो, बिलाल अली। तो आप देख सकते हो आपके फैंस कितने ज़्यादा इंडिया में और कम्पीट भी करते हैं। तो मैंने बिल्कुल वैसी फिजिक बनानी है। चलो जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑल राइट गाइस, सो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि इतनी बढ़िया फिजिक आप जो है लेकर आ रहे हैं शो के अंदर। अभी पहले आप अपनी एज के बारे में बताइए, आपकी एज क्या है? एज मेरी 24। 24 ईयर्स ओल्ड। और उसके अंदर आपने इतनी बढ़िया फिजिक मेंटेन करके रही, तो आपको कितना टाइम हो गया जिम के अंदर? मेरे को 5-6 साल हो गए हैं रेगुलर वर्कआउट करने किए को। 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। एंड अभी आपका क्या मोटिवेशन था कि आपको अजीत क्लासिक के अंदर कम्पीट करना है, क्योंकि इतने सारी फेडरेशन हो चुकी है इंडिया के अंदर, सो वाई अजीत क्लासिक? मैंने ना पिछले साल भी कम्पीट करने का ट्राई किया था, बट सम फैमिली इशू, मेरे फादर पास हुए हो गए, तो मैं तैयारी कर रहा था बॉडी बिल्डिंग की 2021 में दिसंबर की। तो मेरा शो 26 दिसंबर का था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर 18 दिसंबर को एक्सपायर हो गए। सॉरी। तो वो सीक्वेंस ही ख़राब हो गया, जब बंदा मेंटली एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके बाद गेम पे आना थोड़ा फोकस कम हो जाता है। तो एक साल के बाद मैंने अभी ये शो सेलेक्ट किया अपने कोच अतिंदर भाजी के साथ। तो कितना टाइम लग गया आपको इस तैयारी के अंदर, आपने कितना टाइम डेडिकेट करा, और डाइट आपकी क्या थी, मतलब कितनी ट्रेनिंग लगी आपकी? देखो, रोल तो सारा डाइट का ही है। पहले एक अच्छी फिजिक पाने के लिए अच्छा ऑफ सीज़न लगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि बैक टू बैक शो खेलते जाओ। पहले अच्छी फिजिक पाने के लिए एक ऑफ सीज़न चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी वेट कैटेगरी में खेलना है, क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग, कौन सी वेट कैटेगरी में खेलना है, उसके हिसाब से हमारा ऑफ सीज़न वेट हाइट के हिसाब से कितना जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने अगर 5-7 क्लासिक खेलना है तो हमारा वेट 100 kg हो जाए। तो आपने कैसे डिसाइड करा कि नहीं भाई मैंने एक क्लासिक खेलना है? मेरे कोच अतिंदर भाजी। अच्छा, उन्होंने पूरा आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करा। ठीक है, तो अभी आपके आगे के क्या प्लान्स है कि अब आप शेरू क्लासिक? प्लान अभी NPC का खेलेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे। पहले रीजनल शो, देन उसके बाद प्रो क्वालिफायर्स, देन प्रो कार्ड। अभी जर्नी काफ़ी लंबी है, बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक बिकॉज यू हैव एन इनक्रेडिबल फिजिक। तो मतलब क्या मोटिवेशन क्या अजीत क्लासिक में आने का? इतने सारी फेडरेशन अजीत क्लासिक ही क्यों आए? एक्चुअली ऐसा है कि दिस टाइम मीन्स ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन की कोई भी फीस या चार्जेस वगैरह ये नहीं ले रहे हैं, और दूसरी साइड की ये फ्री मील दे रहे हैं दो, मतलब कि प्रॉपर जो एथलीट है उसको। और मील में क्या दिया, दिखा सकते हो? मुझे खुद नहीं पता, ग्राम्स में मुझे नहीं पता, बट सो गाइस प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग मील यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है अजीत क्लासिक। एंड अभी आप कौन सी कैटेगरी में? मेंस फिजिक। और कौन सा वेट डिवीजन है? अब वेट तो मेरा है 65 अराउंड। तो गाइस, हम लोगों ने बिक्की पाजी को पकड़ लिया है यहाँ पे, बड़े टाइम से कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों में वहां पर मिला IFBB प्रो बिक्की सिंह से, जो कि हमारे बिक्की पाजी हैं, और उन्होंने दोस्तों को काफी सारी चीजों के बारे में बताया था कि मतलब उन्होंने कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करा था और उनकी टीम ने कैसे ऑर्गेनाइज करा था इवेंट को, और एक भी पैसा नहीं लिया था अजीत क्लासिक की टीम ने। तो भाई आप लोग ये वाली क्लिप जरूर देखना, आपको काफी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगेगा कि कितना खर्चा लगा था इवेंट पे, और काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग को पता लगेगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लिप देख सकते हो। तो बिक्की पाजी, आपने कितने मील्स टोटल यहाँ पे कराए? 800 मील। 800 मील, मतलब 800 मील बने और भी आ जाए उसके भी रेडी काम। तो एनी आइडिया यहाँ पे कितने एथलीट्स यहाँ पे रजिस्टर कराने के लिए अप्रॉक्सीमेटली? देखो, हमारे इधर पंजाब में ना थोड़ी सिचुएशन बन गई, आपको मालूम होगा कल इंटरनेट हमारा पूरा बंद था, तो काम हमारे सभी रुके रहे। जो शो हमारा 11 बजे शुरू होना था, अभी 1 बजे होगा। एथलीट आई थिंक कितने के एथलीटों के बारे पता कुछ?
150-200 के अंदर एथलीट हो गए हैं, लेकिन हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो थी 340 प्लस गतका। सो गाइस 340 प्लस रजिस्ट्रेशन गई है यहाँ पे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। और जो हम पूरा इवेंट करा रहे हैं, दो गेम्स करवा रहे हैं, गतका एंड बॉडी बिल्डिंग, तो उनके मिला के हमारे 500 प्लस थे। तो पाजी मैनू है दसो कि इधर कितने कैटेगरीज होने वाली हैं? इधर बॉडी बिल्डिंग होगी, उसके अंदर 8 वेट कैटेगरी होंगी, मेंस फिजिक होगी उसके अंदर 4 होंगी, क्लासिक होगी उसके अंदर भी 4 कैटेगरी होगी। तो आपने जितना बड़ा इवेंट आप स्केल पे करा रहे हो, तो आपका अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना लगा होगा इस इवेंट? अराउंड 35-40 लाख टोटल लग रहा है। वाओ गाइस, सो गाइस 35-40 लाख फॉर दिस इवेंट, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जा रही एथलीट से, सो इट्स अ ग्रेट वर्क। ये सिर्फ अगर बोलो कि मैंने डाले, मैंने अकेले ने पैसे नहीं डाले, ये लोग, ये इसका हमारा, मेरा अकेले का बजट था 20 लाख, तो बाकी जो पैसा है ना 15-20 लोगों का प्यार आया, तो वो उन्होंने बजट, आप देखो ना कि 12 लाख तो कैश प्राइज ही आ रहा है टोटल मिलाने के लिए। 5 लाख की हम केटरिंग कर रहे हैं जितना कि इवेंट हो रहा हमारा, बाकी पैलेस का बाउंसर्स ये वो दिस एंड दैट, बाकी जितने भी। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बिक्की पाजी जो है ओवरऑल की ट्रॉफी दिखाते हैं, जो कि क्लासिक मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग की जो ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी थी वो कैसी दिख रही थी। और हम लोग को बताते हैं कि वो 1 लाख रुपए प्राइज मनी दे रहे थे, और ये वाली चीजें कैश के अंदर दी जा रही थी, मतलब कैश इन हैंड दिया जा रहा था। और इस चीज से दोस्तों हम लोगों को काफी सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जो हैं मिलते हैं हमारे अगले गेस्ट से, और अगले इंटरव्यू जिनका हम लोग लेने वाले, जिनका नाम है हमारे भाई तुम्हारे भाई जुनेद भाई से। They had no money to stay. They had no food. They were just के free registration है, बड़ा प्राइज मैंने, चलो बड़ा प्राइज मैंने। तो सोचो कितने लोग इतने होंगे मेरे को लगता है इंडिया में जो खेलना चाहते होंगे, लेकिन प्राइज रजिस्ट्रेशन फीस से या ट्रैवलिंग कॉस्ट से या फिर स्टे और फूड के खर्चे से नहीं खेलते होंगे। तो मुझे लगता है कि दिट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टीम अजीत क्लासिक ने लिया है। वो तो अच्छी बात है। अभी ये आप भी बता दो, अब कब कम्पीट कर रहे हो, फिजिक आपने बनाई हुई है? मैं मुझे ना इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक ऐसा शो करवा दूँ SOS क्लासिक करके, कैसा रहेगा? SOS क्लासिक है ना, मतलब अपनी ब्रांडिंग जो है वो करवा रहे हैं उसके अंदर, अपना ब्रांड यानी प्रमोशन अपने ब्रांड का, तो अपने बच्चे की तो सब बोलते ना, मेरा बच्चा है डेफिनेटली। बताइए, मैं शो अभी पता नहीं यार, अभी देखो आपको तो पता ही है क्या चल रहा है, दाल रोटी पे जिंदा है अभी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जुनेद भाई फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड। बढ़िया काम आप कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों हम सीधा बात करेंगे जो कि हमारा एक्चुअल इवेंट हुआ था, और सबसे पहली जो सरप्राइजिंग चीज जो मेरे को देखने को मिली थी वो था दोस्तों एक जो छोटा सा बच्चा है उनको जो है पोजिंग करवाई जा रही थी, और वहां पर जो एक बड़े बॉडी बिल्डर थे वो भी उनके साथ जो है साथ में पोज डाउन करना शुरू हो जाते, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग था, और वैसे ऐसे काफी रेयर होता है कि 7-8 साल का बच्चा हो जो है फुल ग्रोन बॉडी बिल्डर साथ में पोज डाउन कर रहे होंगे। तो भाई ये वाली चीज मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखा दूं, और आप लोगों को कैसी लग रही है भाई जरूर बताना यार कमेंट करके। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर की जो दो राइट साइड पे जो बॉडी बिल्डर्स है मैं उन पे आपका जो है ध्यान फोकस करवाना चाहता हूं। और इस वीडियो में जो आप लोग दोस्तों जो बॉडी बिल्डर्स देख रहे हो इनमें जो एज डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है भाई, जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे जो बॉडी बिल्डर है जो कि हल्के से लेफ्ट पर है उनकी एज दोस्तों 20 साल है, और जो राइट साइड पे दोस्तों जो कि काफी आप लोग देख सकते हो कि काफी डेंसिटी वाले बॉडी बिल्डर और काफी डेंस मसल होल्ड करते हैं उनकी एज है दोस्तों 40 साल, तो यानी कि 220 साल का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मतलब आप लोग देख सकते हो भाई कि मसल मेच्योरिटी और एज का कितना ज्यादा नाता होता है बॉडी बिल्डिंग में, डिफरेंस है उनकी मसल मेच्योरिटी में, लेकिन जो उनका रिजल्ट था वो काफी ज्यादा नजदीक आया था, और एक काफी बढ़िया कंपैरिजन हम लोगों को देखने को मिला था इन दोनों एथलीट्स के बीच में। और लास्ट सरप्राइज के बारे में बात करते हैं, और लास्ट सरप्राइज में दोस्तों हमारे ओवरऑल चैंपियनशिप का जो विनर था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के अंदर ओवरऑल चैंपियनशिप कौन जीता, मतलब 1 लाख रुपए कैश प्राइस कौन जीता। तो दोस्तों ये दोनों बॉडी बिल्डर्स का मुकाबला हो रहा था एंड के अंदर, और हमारे जो पाजी हैं वो लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड वाले बॉडी बिल्डर का जो है मुकाबला हो रहा था। अब दोस्तों काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला था, और इन जजेस ने इन दोनों को काफी बारी जो है पोजेस करवाए थे, मतलब पोज डाउन करवा रहे थे, और काफी सारे पोजिंग राउंड्स हुए थे इन दोनों के बीच में, और क्राउड दोस्तों काफी ज्यादा पागल हो रहा था और काफी सारी चैंट्स लग रही थी। बट दोस्तों एंड के अंदर ट्रंक नंबर 27 यानी कि जो हमारे राइट साइड वाले बॉडी बिल्डर है यानी कि जो ज्यादा मसल मेच्योरिटी होल्ड करके रखते हैं वो दोस्तों जीत जाते हैं अजीत क्लासिक का बॉडी बिल्डिंग डिवीजन का ओवरऑल टाइटल, और 1 लाख रुपए जो है कैश प्राइज भी उनको मिल जाता है। और दोस्तों मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक में भी यही होता है, उनको भी जो है 1 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है। तो भाई ये था अजीत क्लासिक, और इवेंट दोस्तों काफी अच्छा था, काफी एक अच्छा इनिशिएट लिया गया था अजीत क्लासिक की टीम की तरफ से, जो कि कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही थी एथलीट की तरफ से, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और काफी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को दोस्तों पता लगता है, और काफी एंटरटेनिंग था दोस्तों ये जो अजीत क्लासिक हुआ था। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे ही जो है बॉडी बिल्डिंग शोज में आप लोगों के लिए और लेकर आता रहूं। बाकी आप लोग मेरे को जरूर बताना भाई आपको अजीत क्लासिक का पूरा इवेंट मैंने आप लोगों को कैसा लग रहा था, मतलब जो मैंने कवर किया था आप लोगों के लिए।
बाकी दोस्तों एज ऑलवेज आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली बता सकते हो, और जो भी है भाई शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वो तो आप लोगों को पता ही है भाई। और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय।